हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलो दोस्तों, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ गरबा मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक को मैंने कैसे किया है आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा, शुरू से लेके एंड तक। और जल्द ही मैंने गिवे जो शुरू किया था उसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द ही करने वाली हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, पर जल्द ही विनर अनाउंस करने वाली हूँ मैं। और ये वाला मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो आप पूरा वीडियो देखिए मेरा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे देखे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये वाला मेकअप लुक आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं है अप्लाई करने वाली, अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से मैंने वॉश कर लिया है और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये टोनर। ये टोनर बेहद ही अच्छा है, इसे मैंने अपने चेहरे पर थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है इसे और अच्छे से मेरे चेहरे पर ये एब्जॉर्ब होने के बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ सीरम। तो दोस्तों, मैं सीरम के लिए ले रही हूँ नियासिन माइंड स्पेस सीरम। ये है मुहासों के लिए, तो मुझे थोड़ी सी एक्ने की प्रॉब्लम होने लग गई थी, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने चेहरे पर। तो दोस्तों, एक से दो बूंद काफ़ी है चेहरे पर अप्लाई करने के लिए और इसे अच्छे से अपने चेहरे पर लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। इसे लगाकर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करनी होती है अच्छे से। तो दोस्तों, नियासिन माइंड का सीरम इसे यूज़ करने पर जैसे कि 100% में से 99% लोगों पर इसका फ़र्क बहुत ही अच्छा हुआ है, ये वर्क बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों, अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ बी रूट की ये लिप बाम और इसका नाम है रिवोना और ये डबल लाइन में मिल जाती है। अपने होठों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं लिप बाम का यूज़ करी हुई। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो होठ ड्राई हो जाते हैं ना। और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर एक्वालॉजी की सनस्क्रीन और ये सनस्क्रीन बेहद ही अच्छी आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करती है। इसे मैं थोड़ा सा अमाउंट में ले रही हूँ और धूप के लिए बेहद ही, जैसे धूप में आप बाहर निकल रहे हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है ये। इसमें है SPF 15, PA++++, UVA और UVB। ये 15 ग्राम मिल जाती है आपको और आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। और इसमें है पपाया एंड विटामिन सी और स्किन को ब्राइटनिंग और हाइड्रेट रखती है। तो मैंने अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई किया और आप ग्लो देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो है ना। तो उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं ले रही हूँ शुगर की ये इल्यूमिनिंग मॉइस्चराइजर गोल्ड डेंगन 01 शेड है इसका। तो स्किन को एकदम सा शाइनिंग वाला लुक देने के लिए इसे मैंने थोड़ा सा अमाउंट में लिया है और अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी जिस एरिया को मुझे ग्लो दिखाना है। तो ये देख सकते हो, ये क्रीम बहुत ही ये मॉइस्चराइज बेहद ही अच्छा है। अपने चेहरे पर इसे मैं डॉट डॉट करके अपने चेहरे पर जहाँ भी जिस एरिया को हाईलाइट करना होगा उस एरिया पर मैं अप्लाई करूँगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी स्किन एकदम से ग्लो करती, तो वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा अमाउंट में लिया, अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करूँगी मैं और इसे मैंने अच्छे से, अब आप देख रहे हो मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है ये देखिए आप। और अब मैं लगाने वाली हूँ शुगर का ही प्राइमर और यहाँ पर प्राइमर मैंने शुगर का ही लिया है। अपने चेहरे को ये जैसे कि आपके चेहरे को अच्छे से मैटिफाई कर लेता है और ओपन पोर्स को भी क्लोज कर देता है। इसे थोड़ा सा अमाउंट भी मैंने लिया है और जैसे कि आप कोई फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो एक तरह से देखा भी जाए अगर फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आप सब ये प्रोसेस यूज करोगे ना तो आपका फाउंडेशन बेहद ही अच्छा लगेगा, आपकी स्किन बहुत जैसे कि आपकी स्किन कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, आपकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस लगेगी। तो दोस्तों, मैंने प्राइमर अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया और अब मेरी स्किन होगी एकदम से स्मूथ और इस पर लग फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। तो मैंने यह फाउंडेशन के लिए लिया है के ब्यूटी का फाउंडेशन।
तो इसे मैंने अच्छे से शेक कर लिया है। और ये थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन है, इसे मैंने थोड़ा सा अमाउंट में लिया है इसे मैंने। तो दोस्तों, स्किन को ग्लॉसी और शाइनी लुक देने के लिए मैं यहाँ पर ये, तो मैं अपने इस फाउंडेशन में मैं यहाँ पर लुमिनी मॉइस्चराइजर गोल्ड डेंगन थोड़ा सा मॉइस्चराइज ऐड कर रही हूँ स्किन को एकदम से ग्लोइंग लुक देने के लिए। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसे, और मैं इसे अपने चेहरे पर डॉट डॉट करके अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये शाइनी लुक के लिए और बहुत ही ग्लोसी सा मेकअप लुक प्रोवाइड होगा, तो इसीलिए मैंने दोनों को मिक्स किया है अच्छे से। तो मैं डॉट डॉट करके अपने चेहरे पर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से या हाथों से आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, इसे मैंने अच्छे से मैंने वाटर में डिप करके निचोड़ के फिर मैंने यूज़ कर रही हूँ इसका। और आप देख रहे हो इसकी मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरा चेहरा कितना ग्लोई लग रहा है ना। तो आप चाहते हो अच्छा सा ग्लोइंग वाला मेकअप लुक, तो इस तरह से आप कीजिएगा मेकअप लुक। और ये वाला के ब्यूटी का फाउंडेशन मैं इसके बारे में अच्छे से बता देती हूँ। ये है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और एवोकाडो मैंगो बटर से भरपूर है ये, और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। और ये मेरी स्किन के कलर का मैचिंग फाउंडेशन, ज़्यादा वाइट वाइट भी चेहरा नहीं लग रहा है मेरा, तो ये बिल्कुल मैच वाला शेड वाला फाउंडेशन है। आप अपने चेहरे के शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लीजिएगा। और यहाँ पर मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, स्वीट ब्यूटी का कंसीलर है ये, और ये बहुत ही अफोर्डेबल दाम में मिल जाता है मार्केट में। आप चाहो तो नायका पर्पल से भी ले सकते हो, बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये। और ये पॉकेट फ्रेंडली है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से इसे डैप डैप करके, और जब भी आप कंसीलर का यूज़ करें तो आँखों को ऊपर की ओर रखें ताकि कोई भी फाइन लाइंस नहीं बने। इसीलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से अपने कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जितना आप इसको फिनिशिंग देना चाहते हो उतना ज़्यादा डैप डैप करके आप स्किन पर इसे अप्लाई करोगी तो एकदम अच्छा सा फ्लॉलेस लुक आएगा। और यहाँ पर मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, ये है शुगर की पैलेट, यहाँ पर 3 शेड मिल जाते हैं आपको। तो मैंने अच्छे से नोज की कंटूरिंग की है, यहाँ पर मैंने हल्की हल्की से कंटूरिंग कर रही हूँ यहाँ पर शुगर की। ये पैलेट 3-in-1 है और ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो नायका या पर्पल से आप परचेज कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से कंटूरिंग कर ली अपने नोज़ की, आप देख सकते हो नोज़। और यहाँ पर मैंने फेस की कंटूरिंग की है, तो आप देख सकते हो फेस की कंटूरिंग। तो मैंने यहाँ कंटूरिंग बहुत ही हल्की हल्की से की है मैंने, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कंटूरिंग नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही मेरा चेहरा पतला है, इसके अकॉर्डिंग मैंने, अगर आपका चेहरा बहुत भरा भरा सा है तो आप अपने चेहरे को शेप देने के लिए कंटूरिंग को ज़्यादा कर सकते हो, तो और ही बेहतर रहेगा। मैंने यहाँ कंटूरिंग हल्की ही की है और ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हल्के हाथों से टैप टैप करके अपनी फिनिशिंग दी अच्छे से। और इसे अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ब्लशर के लिए। मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लश ड्यू, और ये देखिए, और ये 2 शेड में यूज़ आता है ये। तो यहाँ पर दोनों शेड को मैं मिक्स करके ही अप्लाई करने वाली हूँ। पहले मैं अपने आईज़ पर लगा लेती हूँ, मैंने यहाँ पर आई शेडो के रूप में मैंने अपने आईज़ पर इसे यूज़ किया है। और हमेशा प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से रिमूव कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से लगे। और दूसरे ब्रश की सहायता से मैं अपने अच्छे से ब्लशर यूज़ करने वाली हूँ इसी प्रोडक्ट से अपने चिक पर। ब्लशर हमेशा घुमाते हुए आप ऊपर की ओर ले जाइएगा ताकि ब्लशर आपका और भी अच्छा सा अच्छा लगे। और इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर दीजिएगा तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसे मैंने अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने, आप लुक देख सकते हो मेरा, हल्का सा नोज़ पर भी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आईब्रो फिल के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NY की ये पेंसिल।
जो बहुत ही अफोर्डेबल दाम में आपको मिल जाएगी, पर्पल पर ये मिलेगी आपको। तो दोस्तों आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इसमें से कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसे मैंने अच्छे से लगा लिया है, तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ काजल। काजल के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ कलबार का ये काजल, जो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। ये बहुत ही स्मूथ काजल है और एक बार में अच्छे से लग जाता है। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ ब्लैक में आइकॉनिक ही लाइनर है और जेट ब्लैक है। और फिर मैं मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ, ये है लोरियल पेरिस का मस्कारा और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लॉन्ग लास्टिंग है और ये आपकी लेस को वॉल्यूम देता है। ये वाटरप्रूफ है और यहाँ पे लिप लाइनर का यूज़ कर रही हूँ मैं अपने होठों को शेप देने के लिए। और लिप शेड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रैनी की लिप शेड है, ये थोड़ी सी डार्क है तो इसका शेड एक्चुअली में शेड इसका डार्क है, तो मुझे मैंने बिल्कुल ही कम अमाउंट में इसे अप्लाई किया है और होठों से मैं हाथों के साथ इसे फैलाया और फिर मैंने अपने लिप शेड को चेंज किया। और यहाँ पर लिप शेड मैं ले रही हूँ मिस लिप मैट लिप कलर, ये बहुत न्यूड सा कलर है, तो अपने शेड को थोड़ा लाइट करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है क्योंकि वो डार्क शेड था इस वजह से। तो यहाँ न्यूड कलर लगा के अपने शेड को थोड़ा सा लाइट कर दिया मैंने, तो अब परफेक्ट लग रहा है। सेकंड जो कलर मैंने यूज़ किया था ये मिस लिप का मैट लिप कलर, न्यूड कलर है ये, बहुत ही प्यारा सा कलर है जो 199 में मिल जाता है। और यहाँ पर अपने चेहरे को हाईलाइट करने के लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मैक का हाईलाइटर, और ये हाईलाइटर बहुत ही, तो दोस्तों ये हाईलाइटर थोड़ा महंगा है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी हाईलाइटर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ तो मैक के लिया है, ये है एक्स्ट्रा डिमिशन सन स्किन फिनिश पाउडर हाईलाइटर है, और इसे मैंने हल्के हाथों से अपने चेहरे पर हाईलाइट किया, अपने जिस एरिया को हाईलाइट करना है। तो ये वाला लुक डांडिया गरबा लुक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने हाईलाइटर का यूज़ किया है मैंने। तो आपका जैसे कि नाइट, ये नाइट गरबा लुक है तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लो करती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। तो अभी आप देख रहे हो मैंने हाईलाइट का यूज़ किया और चेहरा कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा नेचुरल, बहुत ही सुंदर मेकअप लुक लगता है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने इसे नोज पर चिक पर ऐसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और हल्का सा मैं यहाँ पर आईज पर यूज़ करूँगी, हल्के हाथों से। और अब आप देख सकते हो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक चीज़ की कमी है, वो है बिंदी। बिंदी का यूज़ मैं यहाँ पर ब्लैक करूँगी, मैं यहाँ पर ब्लैक बिंदी लगा रही हूँ। पूरा मेकअप कंप्लीट होने के पश्चात दोस्तों मैं यहाँ पर पहन लूँगी ज्वेलरी, और ज्वेलरी मैंने पहन ली है, जो भी मेरे पास थी ज्वेलरी वही मैंने पहनी है। और गरबा में ये जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो ज़्यादा पहनी जाती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो ज्वेलरी मेरे पास थी वो मैंने पहन ली है और आप फाइनल गरबा लुक देख सकते हो मेरा। तो दोस्तों आपको ये वाला लुक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में एक चीज़ की कमी रह गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर का यूज़ करने वाली हूँ मैं, हल्का हल्का थोड़ा सा ही, जो मेरी आईज बहुत ही अच्छी लगे इसीलिए। और यहाँ पर हो चुका है लुक कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तो दोस्तों बाय। और हाँ दोस्तों, जिसने जिसने कमेंट किया है वो गिवअवे के लिए तैयार रहिएगा, और जिसने कमेंट नहीं किया है तो वो क्यों पीछे रह रहे, वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।